हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आराधना मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस चैनल आराधना फूड फ्लेवर में। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी मिठाई को लेकर के, जिसे हम घर के सिर्फ दो चीज़ों से बनाने वाले हैं। इसे बनाने में ज़्यादा समय और सामान नहीं लगने वाला है, तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और उसमें ले लेंगे एक कटोरी मैदा। मैदे की जगह पे आप आटे का भी यूज कर सकते हैं। और इसी में साथ में डाल देंगे हम 1 पिंच नमक और 1 चम्मच चावल का आटा। तो चावल का आटा ऑफिशनल है, अगर आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर दें। हमने यहाँ पे इसलिए डाला है क्योंकि चावल के आटे से बहुत ही अच्छी सी क्रिस्पीनेस आती है। और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे 5 से 6 चम्मच घी। घी की जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। तो ये जो नॉर्मल सा चम्मच होता है खाना खाने वाला, हम उसी से यहाँ पे लिए हैं घी को। तो लगभग वो 5 से 6 चम्मच है लगभग क्या। और इसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे तब तक जब तक कि हमारा जो मैदा है वो अच्छे से बंध ना जाए बगैर पानी के। और जब ये बंधने लगेगा इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक डो तैयार करेंगे। तो डो जो है फ्रेंड्स, हमें ना ज़्यादा हार्ड रखना है ना ज़्यादा मुलायम रखना है। बस आप जो रोटी का आटा लगाते हैं उसे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। बस आप देख सकते हैं डो को, इस तरह से हमने इसे सेट करके लगा लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ढक के छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट को। तो जब तक ये रेस्ट ले रहा है तब तक हम इधर चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 बाउल चीनी और इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बाउल पानी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या करना है, चाशनी जो है अगर आप अपने मिठाई के हिसाब से बनाएं तो 1 बाउल मैदे के लिए 1 बाउल चीनी की चाशनी पर्याप्त है। तो इसको हम उबलने देंगे, इसमें डाल देंगे 5 से 6 चम्मच खड़ा लौंग, इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और इसी के साथ हमने यहाँ पे अजंता का फूड कलर लिया था, उसे भी हमने पानी में घोल के डाल देना जिससे कि चाशनी का कलर थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। और इस तरह से इसे हमें इसे पका लेना है। तो इधर चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, हमें यहाँ पे 1 तार 2 तार का कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी हो जाए, बस हमें इतना ही चाहिए चीनी को पकाना है। तो चाशनी को उतार के हम रख देते हैं साइड में। इधर मैदे को भी हम खोल के देख लेते हैं और इसको वापस से थोड़ा सा मसल के चिकना कर लेंगे। और इसके बाद इसमें से हम ले लेंगे छोटा सा पोर्शन और इसको अच्छे से मसल मसल के इसका पेड़ा तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है ना कि ये मिठाई बहुत ही झटपट से बन के तैयार हो जाती है और सिर्फ मैदे या आटे और चीनी से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में ज़्यादा कोई खर्च भी नहीं है, बहुत ही झटपट से आसानी से बन जाती है। फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप इस तरह से चाहें तो केमिकल मुक्त शुद्ध अच्छा सा मिठाई घर पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो हम पेड़े को पहले बेल लेंगे एक बड़े से रोटी के साइज में और इस तरह से एक गिलास की हेल्प से हम राउंड राउंड शेप में काट लेंगे एक साथ जितने पीसेस हमारे कट जाएं। तो यहाँ पे एक साथ हमारा 7 पीसेस तैयार हुआ है, लगभग 7 पीसेस ही तैयार होते हैं। तो इस तरह से हम साइड पार्ट को निकाल लेंगे और वापस से इसको हम उसी मैदे में मिक्स करेंगे, वापस से हमारा यूज में आ जाएगा। और ये जो हमने लिया है इसको हम बीच में से इस तरह से काट लेंगे क्योंकि जो मिठाई का हम शेप देने वाले हैं वो फ्लावर शेप देने वाले हैं और बहुत ही टेम्पटिंग अमेजिंग लुक का ये मिठाई बनके तैयार होगा। तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ये मिठाई पहले कभी खाई है या नहीं। और इस तरह से हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक कंघा। तो घबराइए नहीं, ये हमने नया कंघा मार्केट से मंगाया है, यूज किया हुआ कंघा नहीं है ये। तो इस तरह से कंघे से हम सारे जो हमने मिठाई को काट के रखा था, सॉरी मिठाई बनाने के लिए जो हमने निकाला था मैदे का पार्ट, उसमें हम सारे से इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। और इसके बाद 1 बाय 1 करके एक के ऊपर एक इस तरह से चिपकाते जाएंगे। तो लगभग 6 से 7 हमारा चिपक जाता है इस तरह से। तो लाइन वाइज इसे हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब थोड़ा सा हम पानी अप्लाई कर देंगे जिससे कि कॉर्नर जो है इसका हम जब ऑयल में फ्राई करें तो ये खुले नहीं। तो इस तरह आप थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छे से इसे चिपका लीजिए, वरना अगर आप चिपकाएंगे नहीं ना तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ऑयल में ये खुलने लगता है। तो प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से और टाइट ले। तो इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद जो अंदर का इसका साइड है, नीचे का पार्ट है, उसको हम अच्छे से सिक्योर कर देंगे।
तो जितने अच्छे से आप इसे सिक्योर करेंगे, मिठाई आपकी उतनी ही परफेक्ट लुक में बन के तैयार होगी। और इसके ऊपर वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से फैला लेंगे, जिससे कि बहुत ही सुंदर सा हमारा रोज फ्लावर बन के तैयार हो जाए। तो इस तरह से आप इसे वन बाय वन करके सारे पार्ट्स को इस तरह से फैला लीजिए, जिससे बहुत ही अच्छा और प्यारा सा हमारा रोज फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसे रख देना है प्लेट में साइड में, और वापस से हम आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह से आप इसे फैला लीजिए, एक के ऊपर एक चिपकाते हुए प्रेस करें और इस तरह से फोल्ड कर लें। तो ये आप देख सकते हैं कितना ईजिली ये फोल्ड हो जा रहा है। इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी इसे आराम से बना सकता है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसका, हम इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो इस तरह से आप इसे कर दीजिए, आसानी से ये हो जाएगा। और इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है इसका, हम देखिए इस तरह से हमें इसे फैला लेना है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर और लुक आ रहा है ना इसका, कलर तो अभी फ्राई करने के बाद आएगा। तो इस तरह से हमने इसे फैला करके, इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा फ्लावर ये रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम रख देते हैं प्लेट में, और इस तरह से हमें जितनी मिठाई बनानी है उतना हम फ्लावर बना के तैयार करेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बनाइए। और यहाँ पे हमारी सारी मिठाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, ऑयल रख देना है कढ़ाई में। तो कढ़ाई में ऑयल आपका उतना गर्म हो जिससे कि आप इस पर हाथ रखें तो थोड़ा सा सिम हो जाए। जब न ज़्यादा इसे हाई करना है, न ज़्यादा लो करना है, बस आप इसमें डालें तो बबल्स निकले, इस तरह का ऑयल आपका होना चाहिए। इसके बाद आप गैस की लो को लो टू मीडियम रखें और इस तरह से एक चम्मच की हेल्प से ऑयल को आप फ्लावर के ऊपर डालते जाएं, जिससे कि ये अंदर से भी अच्छे से सिक के तैयार हो। और इसको जो है आप फ्रेंड्स लो टू मीडियम फ्लेम पे ही सेकें, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा सा कलर भी आएगा और बहुत ही अच्छे से ये सिक के तैयार भी होगा, अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। वरना अगर आप फ्लेम हाई करते हैं तो ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो मिठाई न तो आपकी देखने में अच्छी लगेगी और न ही खाने में। तो यहाँ पे इस बातों का आप ध्यान दें। और इस तरह से देखिए कितना प्यारा सा हमारा कलर वाला फ्लावर बन के तैयार हो चुका है। तो इसे हम निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर और इस तरह से हम और सारी मिठाइयों को तल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसे वन बाय वन करके सेम प्रोसेस से तल लेना है, जितना हमारा एक साथ कढ़ाई में आ जाए। और ये देखिए कितना प्यारा सा गुड लुकिंग फ्लावर रेडी है। तो इस तरह से आप फटाफट बनाइए। और ये जो हमने चाशनी बना के रखी थी, देखिए ठंडा होने के बाद ये कितनी थिक हो गई है। तो परफेक्ट चाशनी ये रेडी है, जैसी हमें चाहिए थी। और इस तरह से हम क्या करेंगे, कलछल के हेल्प से सारे मिठाइयों पे इस तरह से हम चाशनी को गिरा देंगे, जिससे कि इसके अंदर तक अच्छे से चाशनी पहुंच जाए और अच्छे से सेट हो जाए। तो सारे फ्लावर के ऊपर आप इस तरह से चाशनी को गिरा दीजिए। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे फ्लावर के ऊपर चाशनी को अप्लाई कर दिया है। अब इसे हम छोड़ देंगे लगभग 30 से 35 मिनट के लिए, जिससे कि सारी मिठाई पे चाशनी जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे हमारी मिठाई बन के रेडी है, रक्षाबंधन आ रहा है। आप इस तरह से बनाइए। और इस मिठाई की खास बात यह है कि आप पूरे महीने इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी इसकी क्रिस्पीनेस नहीं जाएगी। और कितना गुड लुकिंग लग रहा है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप भी बना लीजिए और सभी को खिलाइए, खुद भी खाइए। मुझे तो इसे तोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा सा ये मिठाई बनके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।